गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका हैप्पी कैमरी स्कूल से आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, आज हमने जो है पार्ट 11 हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसकी जो है सभी बच्चों ने आज हमने लाइव क्लास के अंदर रीडिंग करी थी। सभी बच्चों ने रीडिंग बहुत अच्छी करी थी। तो जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी थी, वो पहली बात तो सभी बच्चे जो है लाइव क्लास जरूर अटेंड किया कीजिए, क्योंकि लाइव क्लास में ही जो है मैडम आपको सामने से रीडिंग करते हुए देख सकती है और आप रीडिंग आपका पता चलेगा कि आपको जो है रीडिंग कैसी कर रहे हो। तो फर्स्टली सभी बच्चे जो है लाइव क्लास जरूर अटेंड कीजिए। जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी थी, उनकी रीडिंग रह गई है, तो वो बच्चे जो है मुझे जो है एक पैराग्राफ की जो है, जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ की जो है वीडियो बनाकर क्या करेंगे, जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी थी वो बच्चे क्या करेंगे, मुझे एक पैराग्राफ की यहाँ से लेके जैसे यहाँ तक जो है वीडियो बनाकर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। और रीडिंग कैसे करेंगे, रीडिंग जो है फ्लुएंटली करनी है, ऐसे अटक अटक के नहीं करनी है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे सभी बच्चे जो है रीडिंग करेंगे। अध्यापक, प्यारे बच्चों, बताओ हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं। सभी बच्चे, तिरंगा झंडा, क्या कहते हैं, तिरंगा झंडा। अध्यापक, बिल्कुल ठीक, आज हम इसी तिरंगे झंडे के बारे में चर्चा करेंगे। इसे तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है। सभी बच्चे जो है मुझे ऐसे ही जो है रीडिंग करके जो है वीडियो बनाकर सेंड करेंगे। और एक और बात बच्चों, जो अब नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं सभी बच्चों की जो है लाइव क्लास के अंदर डिक्टेशन लूंगी, यानी सभी बच्चों की क्या है सुतलेख लूंगी। तो सभी बच्चे लाइव क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि लाइव क्लास में ही सुतलेख होगी। जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे उनकी सुतलेख रह जाएगी। तो कोशिश करिए कि सभी बच्चे जो है लाइव क्लास जरूर अटेंड करें। और इसको रीडिंग करते वक्त जो जो आपको कठिन शब्द लगते हैं, सभी बच्चे जो है उसको अंडरलाइन करेंगे। पार्ट 10 और पार्ट 11 की जो है सभी बच्चों की सुतलेख होगी परसों की लाइव क्लास में। थैंक यू।